यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो को आप मिस न करें। मल्लिका किचन खास में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है वड़ा पाव की रेसिपी। इसके पहले भी मैंने वड़ा पाव की रेसिपी अपने चैनल पर डाल रखी लेकिन वो एकदम अलग स्टाइल में था, और आज मैं बनाने वाली मुंबई स्टाइल वड़ा पाव रेसिपी, और ये बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ देखते हैं। तो वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन घोल कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के बेसन लिया है और इसे एक बड़े से बोल में हमें डाल लेना है। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हमें इसे घोल बना लेना है। तो घोल हमें इसे उसी तरह से बनाना है जिस तरह हम भजी के लिए बेसन का घोल तैयार करते हैं, उसी तरह से हमें इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम स्मूथ बेटर तैयार कर लेना है, और इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स न रहे इसलिए हमें इसे अच्छे से फेंटना है। ना तो इस बेसन के घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे गाढ़ा रखना है। तो यह भी आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने घोल तैयार किया, बस इसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें हमें डालना है हल्दी पाउडर, और सभी को अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर आलू बड़े के लिए बेसन का घोल बिल्कुल तैयार है और इसे मैं कवर करके अभी साइड में रख दूंगी, और तब तक हम आलू बड़े के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आलू बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 उबले हुए आलू लिए हैं। तो सबसे पहले आलू को अच्छे से मसल लेते हैं, चाहे तो मिक्सर से मैश करें या फिर हाथों से इसे अच्छे से मसल लें। तो इस तरह से आलू को हमें अच्छे से इसे पूरी तरह से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मसल लिया है यानी कि मेश कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसका एक चटपटा सा अच्छा सा आलू बड़े का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच तेल यानी कि ऑयल, ऐसा गर्म हो जाए तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच राई, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को इस तरह से मैंने कूट कर दरदरा सा कर लिया। इस तरह से कूट कर डालने से आलू बड़े में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, तो नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो आप लाल मिर्च ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। और अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें, और मसाला ज़्यादा जले नहीं इसलिए अब हम तुरंत इसमें डाल देंगे मेश किए हुए आलू। और मसाले डालते समय हमें गैस को धीमा रखना है, नहीं तो मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो आलू को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये लीजिए हमारा चटपटा सा आलू बड़े का मसाला बनके तैयार है, और गैस को मैंने बंद कर दिया है। तो इसे मैं अभी बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो मसाला अभी एकदम से गर्म है तो इसे अभी हमें ठंडा होने देना, और जब तक हमारा आलू बड़े का मसाला ठंडा होता है तब तक हम वड़ा पाव की चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो वड़ा पाव की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमें लेना 8 से 10 कली लहसुन के, और लहसुन को मैंने यहाँ पर हल्का सा तेल में सेका नहीं है, आप चाहे तो इसे सेक कर लीजिएगा, इसका टेस्ट ऐसे भी बहुत ही अच्छा आता है। और फिर मैं ले रही हूँ नमकीन वाले मूंगफली के दाने, तो यहाँ पर ये मैं नमकीन वाले रोस्ट किए हुए दाने ले रही हूँ, आप चाहे तो सादे वाले दाने को हल्का सा सेक कर
ले सकते हैं। और 4 चम्मच में डाल रही कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल का भूरा। आप यहाँ पर नारियल के भूरे की जगह जो कच्चा वाला नारियल आता है, गीला वाला, वो भी ले सकते हैं, और जो सूखा नारियल आता है उसे भी आप इसमें किस कर डाल सकते हैं। और 2 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च पाउडर में यहाँ पर खाने की छोटी चम्मच से 2 चम्मच ले रही हूँ। आपको यदि तीखा कम पसंद है तो आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर कम कर दीजिएगा। 1 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें सिकी हुई तिल्ली। तो तिल्ली का टेस्ट इस चटनी में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ पर तिल्ली का भी यूज़ कर रही हूँ। और नमक मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अनुसार, तो नमक आप उतना ही डालिए जितना आपके टेस्ट के अनुसार डालना हो। 1 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ तेल। तो तेल मैं इसमें इसलिए डालती हूँ जिससे कि हमारी चटनी हल्की सी गीली बने तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ पर तेल को भी 1 चम्मच डाल रही हूँ। और अब ढक्कन को लगाकर इसे हमें 3 से 4 बार मिक्सर में घुमा लेना है। तो अभी आप देख सकते हो कि चटनी हमारी बहुत ही अच्छी दिख रही है, उसका कलर देखिए बहुत ही सुंदर सा कलर आया, और ये बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो वड़ा पाव के लिए चटनी जो होती है वो इसी तरह से बनाई जाती है, और इसे आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, और वड़ा पाव के लिए इसी तरह से चटनी बनाई जाती है। तो अभी इसमें इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए वड़ा पाव की चटनी तो हमारी एकदम से रेडी है, और इसे अभी हम रख देते हैं साइड में, और तब तक हम बनाकर आलू बड़े तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आलू बड़े का मसाला एकदम ठंडा हो गया, तो इसे इस तरह से जितने बड़े साइज का हमें गोले चाहिए उतने बड़े हम आलू के मसाले का इस तरह से गोला बना लेंगे और इसे साइड में रखते जाएंगे। तो इसी तरह से सारे मसालों के गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये तो बनके तैयार हो गए, और अब चलते हैं हम इसके आलू बड़े बनाने के लिए। और अब हम देखते हैं, हमने जो बेसन घोल कर रखा था हमने 10 से 15 मिनट तक इसे इसी तरह से कवर करके रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल गया और सेट हो गया। तो अभी हम चलते हैं इसमें आलू बड़े बनाने के लिए। यहाँ पर हमने जो आलू के गोले बनाकर रखे उसे हमें बेसन में अच्छे से चारों तरफ से इस तरह से लपेट लेना है, घुमाकर इस तरह से अच्छे से कोट कर लें। बहुत ही केयरफुली हमें इसे गरम तेल में इस तरह से डालते जाना है। तो तेल को अच्छा तेज गरम करें, बिल्कुल भी ठंडे तेल में हमें आलू बड़े नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने गैस को मीडियम फ्लेम पर कर रखा है, और तेल को मैंने अच्छा तेज गरम कर लिया, और उसके बाद जब हम आलू बड़े डाल देते तो गैस को हमें हल्का सा धीमा कर देना है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं रखना है, और धीरे धीरे इसे इसमें पकने दें। तो ये देखिए आलू बड़े हमारे कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। बस हमें ध्यान रखना है कि तेल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, यदि ठंडे तेल में हम आलू बड़े डालेंगे तो वो इतने अच्छे से पकेंगे नहीं और अंदर तक तेल पी लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हमें इसे बाहर निकाल लेना है। इसी तरह से मैं बचे हुए आलू बड़े भी निकाल कर रख लूंगी। तो सारे आलू बड़े अच्छे से सीख गए, तो इसे भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर वड़ा पाव के लिए मैंने सारे आलू बड़े बनाकर रख लिए, और ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक सीख गए। आप देख सकते हो कितने अच्छे इनका गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो अभी हम इसका बनाएंगे वड़ा पाव। तो वड़ा पाव के लिए अभी सारी चीज रेडी है। यहाँ पर मैंने पाव लिया है, और पाव को इस तरह से बीच में से हमें कट कर देना है। तो एक पाव में आपको कट करके दिखाती हूँ किस तरह से कट करना है। इस तरह से हमें बीच में से इसे कट कर लेना है, और पीछे से हमें इसी तरह से जुड़े रहने देना है, पूरा कट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने जो इसमें लाल चटनी बनाई है जो इसके वड़ा पाव के लिए, उसे हम पहले इस पर रखेंगे।
और अब इसकी चटनी के ऊपर हमें रखना है आलू बड़े जो हमने वड़ा पाव के लिए बना कर रखे। तो आलू बड़े रखने के बाद इसे हल्के हाथों से इस तरह से हमें थोड़ा सा प्रेस कर देना है इस तरह से। और अब आलू बड़े के ऊपर भी हम थोड़ी सी लाल वाली चटनी रख देंगे। इस लाल वाली चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आलू बड़े में। तो बस हमारा वड़ा पाव तैयार है और इसी तरह से मैं सारे वड़ा पाव बनाकर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने वड़ा पाव को इस तरह से प्लेट में सर्व कर दिया और साथ में लहसुन और लाल मिर्च की चटनी भी रखी है। तो ये लीजिए, मुंबई स्टाइल वड़ा पाव बनके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही फटाफट बनके तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।